श्रीलंका का आर्थिक और राजनीतिक संकट चरम पर है। उत्तेजित भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में दबंग घुसकर तोड़फोड़ कर दी और प्रधानमंत्री के घर में घुसकर आग लगा दी। सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे दोनों लोग गायब हैं और देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन इसका नौ नंबर से क्या ताल्लुक? क्या नौ नंबर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार के लिए अशुभ है? एक नजर डालते हैं हाल की कुछ घटनाओं पर। शनिवार यानी 9 जुलाई को लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर हमला बोल और तोड़ फोड़। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा वे इस्तीफा देंगे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी पद छोड़ने की पेशकश की। इसके पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री और गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को इस्तीफा दे दिया और उसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने 9 जून को इस्तीफा दिया। ऐसे लगता है यानी 9 मई को महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा, 9 जून को बासिल राजपक्षे का इस्तीफा और 9 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे का ऐलान। इससे ऐसा लगता है कि 9 नंबर इस परिवार के लिए अशुभ। दरअसल श्रीलंका की राजनीति पर राजपक्षे परिवार का दबदबा कई दशकों से बना हुआ है। लेकिन 2005 में महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने अपने छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे को रक्षा सचिव तो एक और भाई बासिल राजपक्षे को राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया। श्रीलंका में 2009 में जिसमें गृह युद्ध हुआ और महिंदा राजपक्षे की अगुवाई में सरकार और सेना ने तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को हराने में कामयाबी हासिल की तो रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे ही 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर महिंदा राजपक्षे की जीत। उन्होंने इस बार अपने एक और भाई चमल राजपक्षे को मंत्री बना दिया। 2015 के चुनाव में महिंदा राजपक्षे हार गए, लेकिन 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे की जीत। बाद में उनके भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने, बासिल राजपक्षे को वित्त मंत्री बना दिया। इस तरह श्रीलंका के प्रशासन और उनकी सरकार पर राजपक्षे परिवार का कब्जा हो गया। लेकिन स्थितियां बदली, आर्थिक संकट गहराया और तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को 9 मई को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम रही, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को 9 जून को इस्तीफा देना पड़ा और अब 9 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफे का ऐलान किया। ये 9 का मामला गहराता जा रहा है, राजपक्षे परिवार के लिए अशुभ साबित हो रहा है।